यहाँ पे हमारे साथ आपका जो सक्सेस का फॉर्मूला है, जो सीक्रेट्स है, वो शेयर करने के लिए आएंगे। इसके लिए भी हम पूरी मैनेजमेंट टीम के तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप हमें हमारे साथ शेयर करें कि आपका जो ये डिसीशन था टियांस के साथ अपने आप को बिल्ड करना, टियांस के साथ एक प्लेटफॉर्म दिलाना, वो डिसीशन आपने क्यों लिया था मैम? यस मैम, थैंक यू। बहुत ही अच्छा सवाल, क्योंकि बहुत सारे ड्रीम्स है, बहुत सारा कुछ अंदर से जुनून था कि कुछ करना है कुछ करना है, पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था। क्योंकि एमबीए किया है, बहुत अच्छा जॉब कर रही थी, पर खुद का एक जुनून था कि चलो कुछ ना कुछ तो करना है, पर बच्चे को सैक्रिफाइस कर रही थी क्योंकि छोटा बच्चा था और जॉब पे चली जाती थी 7 to 7, पर कोई एक ऐसा था कि करना है जॉब, पर उसमें मैं सैक्रिफाइस कर रही थी, मेरा फैमिली को, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती थी। पर तब जाके मेरे पास एक टियांस का एक जड़ी बूटी, जो मैं बोलती हूँ टियांस का, एरिस का सैनिटरी नैपकिन, जो मुझे एवरी पीरियड में मुझे नैपकिन का मतलब एक गायनेक इश्यू ज्यादा था और okay. कोई डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाया, तब जाके okay. मेरा टियांस okay. का प्रोडक्ट नहीं मुझे ऐसा ड्राइव, फोर्स ड्राइव बना दिया कि मुझे ये करना है। इसलिए मैंने टियांस ज्वाइन किया क्योंकि मुझे गायनेक इश्यू सॉल्व हुआ। ओ माय गॉड, देखिए ये एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट प्रवीणा जी ने हमारे सामने रखा, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये एक वर्किंग लेडी थी, ये काम पे जॉब पे चली जाती थी, एक तो इनको लग रहा था कि ये अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही, तो कहीं ना कहीं एक जो होता है कि मैं अपने बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करूं, बट साथ ही साथ अपना जो एक जॉब, एक जो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस है उसको भी बरकरार रखूं, एंड इसके साथ उनका एक जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम था उसका एक सॉल्यूशन इनको टियांस के जरिए मिल गया, विच इज आवर आईरीज रेंज ऑफ वुमेन हाइजीन प्रोडक्ट्स। तो दोनों मिलके, मुझे लगता है प्रवीणा जी, दोनों मिलके आपके सामने एक रास्ता खोल दिया। एम आई करेक्ट? यस सर, यस राइट। तो देखिए, एक करियर अपॉर्चुनिटी, एक फ्लेक्सिबल करियर अपॉर्चुनिटी, एंड साथ ही साथ एक जो समस्या, एक जो शारीरिक ये समस्या से जूझ रही थी उसका भी सॉल्यूशन, दोनों इनको साथ में मिल गया। तो मैडम एक बात बताइए, दोनों जब एक आपका दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही प्लेटफॉर्म में मिल गया तो आपको कैसा लगा उस टाइम पे? बहुत ही अच्छा फील हुआ। पहले तो डायरेक्ट जॉब स्किप कर दी क्योंकि कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया ना, तो ओनली छोटा सा नैपकिन ने अगर मुझे एक जिंदगी बना दी तो मैंने और कुछ सोचा नहीं, क्योंकि मैंने कभी नेटवर्क किया नहीं था, जॉब किया था उसका ही नॉलेज था और मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ कितनी सक्सेस होगी, पर मुझे इतना खुद के ऊपर दम था कि जब मेरा गायनेक इश्यू सॉल्व हुआ ना, मैं हर एक इंडिया की, ऑल ओवर वर्ल्ड की नारी को मैं बचाऊंगी, क्योंकि जो मार्केट के नैपकिन में मुझे क्वालिटी नहीं दिखा, जो हमारे एरीज के नैपकिन में मुझे अव्वल लगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्विक कर लिया मेरा जॉब और मैंने डायरेक्ट टियांस ज्वाइन किया। और वो रियली थैंक्स टू गॉड कि मुझे तब मेरा दिमाग खुला था, आईज खुली थी और मैंने वो डिसीजन लिया और आज मेरा जिंदगी बना दिया। तो थैंक यू गॉड कि मुझे ये डिसीजन लेने के लिए। और आप जो बोल रहे हो, ये पूरा जो अंदर से आप एकदम फुल कॉन्फिडेंस और फुल हार्ट से बोल रहे हो वो दिख रहा है आपके, जैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हो। और मैं यहाँ पे प्रेजेंट सबको ये भी बोलना चाहूंगी कि मैं प्रवीणा जी के ऑफिस विजिट कर चुकी हूँ सूरत में, और ये जो आप देख रहे हो जिस एनर्जी के साथ और एंथुसियाज्म के साथ ये बात कर रही है, हमेशा ऐसे ही बात करती है, हमेशा इनकी जो कोर टीम है लेडीज के साथ एकदम जम के एनर्जी के साथ फुल फोर्स लगा के काम करती है, बहुत मजा आता है। और ऐसे इन्होंने अभी हमारे साथ ये भी शेयर किया, ग्रेट, थैंक यू मैडम, ये भी शेयर किया कि आईरीज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इन्होंने जब खुद यूज किया, इन्होंने, इनको लगा कि हम इंडिया के हर कोने में जो लेडीज यू नो इस मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम से जो डील करती हैं, जो पीरियड पेन्स के साथ डील करते हैं, तो आईरीज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को यूज करके सही में हम हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं, जो कि प्रवीणा जी और इनके कोर टीम
मैं बोलती हूँ कि फायर ब्रांड्स हैं ये लोग, सब मिलके ये काम कर रहे हैं और ज्यादा लोगों तक ही पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। तो प्रवीणा जी, यहाँ पे आपने चियांस ज्वाइन किया, आपका जो पर्पस था, मुझे लगता है आपका जो रीजन था चियांस पे आने का, कि आपने सोचा कि अगर मुझे बेनिफिट मिला है तो ये बेनिफिट मैं और ज्यादा लोगों तक ही पास ऑन करना चाहूंगी, एंड साथ ही साथ आपको अपने बच्चे को टाइम देने का भी मौका मिल गया, राइट? तो यस मैम, चियांस में आने के बाद और आने से पहले आपकी जो जिंदगी, आपकी जो लाइफ स्टाइल थी, उसमें आपने मैडम क्या फर्क, आपको क्या फर्क महसूस हुआ? बहुत मतलब वो तो मैं ही फील कर सकती हूँ, क्योंकि बिफोर टियांस तो पहले तो नाम और पहचान कुछ भी नहीं थी, और खाली एक जॉबर जो सुबह से शाम तक काम कर लेती थी, और वहां तो मुझे गुलामी लगता था, पर वो ज्यादा तक नहीं चला, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरे सारे ड्रीम्स मेरे जॉब में खत्म नहीं होने वाले। इसलिए मैंने एक डिसीजन ले लिया, और मैंने ये तो सोच लिया कि आफ्टर टियांस मेरा पर्सनल ग्रोथ भी हुआ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हुआ, एक कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल भी आ गई, और एक बिग फैमिली मिला। और करियर की बात करूं तो टियांस से बेस्ट करियर मुझे कहीं और नहीं दिखता है। मैं जहां पे भी जाती हूँ ना, मैं सच में मेरा फीलिंग बता देती हूँ, और लोग मेरे साथ इसलिए जुड़ जाते हैं, ना तो प्रोडक्ट देख के, ना तो प्लान देख के, पर मेरा कॉन्फिडेंस देख के वो लोग ज्वाइन हो जाते हैं कि नहीं, ये एक सच में अच्छा प्लेटफॉर्म है, कि और हमारा यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, हेल्थ भी, वेल्थ भी, हैप्पीनेस भी, और रिटायरमेंट भी। तो अरे वाह, रियली ग्रेट ग्रेट, यस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मुझे लगता है शी हैज सेड समथिंग विच इज वेरी यूनिक। यू गेट योर हेल्थ, यू गेट वेल्थ, एंड यू गेट दी कॉन्फिडेंस टू यू नो टू सिक्योर योर रिटायरमेंट, राइट? सो यू नो, यस मैम, इतना सारा चीज, इतना जो कि हमारा एक ड्रीम होता है, ये सारा चीज एक साथ एक प्लेटफॉर्म में सिर्फ चियांजी दे सकता है। और रवीना जी ने हमारे साथ ये भी शेयर किया दैट आफ्टर कमिंग ऑन टू टियांस, यू नो, हर कम्युनिकेशन स्किल्स गॉट बिल्ट अप, शी बिकेम अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर, द वे शी स्पीक्स, यू नो, दैट इन्फ्लुएंसेस अदर लेडीज टू कम एंड ज्वाइन द बिजनेस। सो इनकी जो कम्युनिकेशन में जो स्ट्रेंथ है, इनकी कम्युनिकेशन में जो कन्विक्शन है, उस कन्विक्शन से ज्यादा लेडीज इनके साथ पे यू नो अपना करियर बनाने के लिए आ जाते हैं, और इनको लगता है दैट इज वन ऑफ द बिग थिंग्स दैट शी हैज अचीव फ्रॉम टियांस, राइट मैडम? यस मैम, यस, चियांस के प्लेटफॉर्म में इनको ये एक बहुत ही ज्यादा, इनको लगता है ये इनकी एक अचीवमेंट रही है। तो आप बताइए मैडम, ये आपने आईरीज का जो हेल्थ बेनिफिट आपने देखा, आपने फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग देखा, ये सब देख के जो आप यहाँ पे चियांस के साथ जुड़ने का डिसीशन लिया, आपको क्या लगता है एक लेडी के लिए, एक लेडी जब काम पे आती है, एक लेडी जब घर से बाहर निकलने का एक डिसीशन लेती है, बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ता है, और वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप चाहे जॉब पे जाओ या फिर अपना बिजनेस डेवलप करने का कोशिश करो, सबसे पहले तो लेडीज को एक पुशबैक मिलता है हर जगह से, एक पहले तो एक धक्का मिलता है, एक पुशबैक मिलता है। तो आपने उस फेस को कैसे डील किया होगा मैडम? यस मैम, स्ट्रगल बहुत आया, और हिस्ट्री में ऐसा भी सुना है कि जो स्ट्रगल करते हैं ना वही सक्सेस होते हैं। और 2.5 साल का बच्चा को लेके मैं डेली निकल जाती थी, क्योंकि उनका सोने का टाइम भी, कोई भी प्लान के लिए फोन आ जाता था, टीम में किसी को सपोर्ट के लिए फोन आ जाता था, तब मेरे लिए मेरा बच्चा एक रीजन बन जाता था, कोई एक्सक्यूज नहीं, क्योंकि मुझे भी तब लग रहा था एज अ मदर, क्योंकि हम कुछ भी सह पाएंगे पर बच्चे का परेशानी हमसे कभी नहीं सहा सहा जाएगा। पर तब एकदम एक साइड ऐसा भी सोच लेती थी कि नहीं, करना है तो बच्चे के लिए ही करना है, और ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जहां जाती थी वहां इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता था, हमारी प्रोडक्ट और हमारा करियर बिजनेस प्लान बताते थे ना, तो लोग रियली एक अप्रिसिएट करते थे हमें, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। पर स्ट्रगल की बात करूँ ना, तो इतने बड़े बड़े स्ट्रगल आए, पर हमने कभी भी ये स्ट्रगल मुझे नहीं गिरा पाए, क्योंकि अंदर का मेरा एक जिद और जुनून, और मुझे कुछ करके दिखाना था,
ऐसा ही मेरा पहले से ही है। मैं छोटी थी तब से मैं बहुत बड़ी ड्रीमर हूँ, ड्रीमर तो हूँ पर मैं जिद्दी भी हूँ कि मुझे जो टाइम पे जो चाहिए, पॉजिटिव जिद, ऐसा नहीं कि इधर उधर का कोई जिद, हाँ पर एक ऐसा जिद कि मेरे ग्रोथ के लिए ही वो काम आए, तो उसके लिए मैं बिल्कुल डेडिकेट थी। और बच्चे को लेके डेली डेमो, डेली प्लान, सब कुछ मैं करके आगे बढ़ी आगे बढ़ी। और अभी मुझे कभी भी अचीवमेंट होता है ना, तो एक बार रोना आ जाता है कि नहीं, मेरे बच्चे ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, इसलिए मैं आगे हूँ। और अभी तो मैं बिल्कुल एंजॉय कर रही हूँ मेरा रॉयल लाइफ। यस वाह, मैम, ग्रेट 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 ग्रेट। देखिए प्रवीणा जी ने बहुत एक अहम बात इन्होंने बोला, दैट बच्चे के लिए मुझे ये करना था। और देखिए इन्होंने ये भी बोला, बहुत बड़े बड़े स्ट्रगल इनके सामने आए। तो हर एक लेडी, यहाँ पे बहुत सारे महिलाएं हमारे साथ आज इस प्लेटफॉर्म में हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं आप सबके लिए ये डेफिनेटली बोलना चाहूंगी, देखिए सक्सेस तो आसानी से नहीं आती है। घर से बाहर जब निकलने का हम लोग डिसीशन लेते हैं कि घर से बाहर जाके अपने लिए अपना एक एक आइडेंटिटी बनाना है, राइट, तो बहुत बारी होता है कि बहुत कुछ हमें फेस करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं होता कि सब बोलेंगे हाँ जी आप जाइए, आपका आइडेंटिटी बनाइए, हम आपके पीछे हैं, ये तो आपको बिल्कुल नहीं सुनने मिलेगा, राइट। तो आपको ये तो डेफिनेट, प्रवीणा जी आप बताओ, आप भी एक माँ हो, क्या आपने कभी ये सुना है कैसी माँ है, ये तो बच्चे को छोड़ के चली जाती है, इतना यस छोटा यस सा यस, बच्चा बहुत इसको लेके चली जाती है, कोई केयर नहीं करती, आपने सुना है ये सब? बहुत बहुत सुना। और कुछ भी धूप है, छांव है या तो बारिश है, कुछ भी नेबर्स लोग बोलते थे, रिलेटिव्स बोलते थे कि ये क्या, ये कोई पागल हो गई है क्या, कि इतना छोटा बच्चा को जो नींद में है उनको भी गोदी में उठा उठा के ये डेमो और प्लान के लिए निकल पड़ती है। तो बहुत सुना और बहुत इग्नोर भी किया, थोड़ा थोड़ा हार्ट में टच भी होता था, पर एक एक लाइन, एक ऐसा राइट डायरेक्शन भी दिख रहा था कि नहीं करना है तो टियांस करना है, क्योंकि 3 महीने में जब फॉरेन ट्रिप कर लिया तब मुझे पता चला कि यहाँ पे मेरा लाइफ है। फिर मैंने चाइना हेडक्वार्टर देख लिया तब मेरा विजन क्लियर, मैं एक लंबी रेस तक मुझे पता चल गया। और घर में मैंने बोल दिया कि मुझे 3 से 4 साल दे दो, बस मुझे 3 से 4 साल में मेरा करियर इतना अच्छा बना लेना है कि मैं फुल्ली रिटायर्ड हो जाऊं। तो ये अमेजिंग, मेरा सपोर्ट रहा, यस, मेरी फैमिली का ग्रेट बहुत सपोर्ट रहा उससे। यस मैम, ग्रेट। तो आप लोगों ने सुना, देखिए ये सब बहुत नॉर्मल सी चीज है, जो पुशबैक आपको मिलेगा, समाज से पुशबैक मिलेगा, लोगों से आपको ये सुनना भी पड़ेगा कि कैसी माँ है, बिकॉज हम सब यहाँ पे जितने भी लेडीज काम के लिए आते हैं, जो भी अपने आप को एक नया पहचान दिलाने का कोशिश करें, हम सब माएं हैं, हम सारे मदर्स हैं, तो हमारे सामने तो बच्चा जो है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। क्योंकि सबसे पहले एक लेडी जब माँ बनती है, वो चाहती है कि जिंदगी का हर एक खुशी, हर एक अच्छा चीज, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं अपने बच्चे को लाके दूँ, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो प्रवीणा जी ने भी सेम चीज बोला। तो आप अगर अभी भी सोच रहे हैं कि मैं कैसे करूं, हम आपको डेफिनेटली ये मैसेज देना चाहेंगे कि आसान तो बिल्कुल नहीं है मैडम, आसानी से तो आप इस जर्नी को तय नहीं कर पाएंगे, आपको ये सारा हर्डल्स और ये सारी चीजों को यू नो ओवरकम करके ही आगे जाना है। ये हम में से हर किसी ने किया है, हम में से हर किसी ने देखा है। मेरे लिए भी बहुत, आज से यू नो 10-12 साल पहले जब मेरा बच्चा छोटा था, उसको घर पे, 3 महीने के बच्चे को घर पे छोड़ के ऑफिस जाना बहुत 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 पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है, बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है। बट साथ ही साथ ये भी पता था कि आज ये शॉर्ट स्पैन में अगर ये पेन को हमने जीत लिया ना, तो आगे की जो जिंदगी है वो हमारे सबके लिए बेहतरीन होने वाली है। जो कि प्रवीणा जी ने भी बोला कि ये छोटा सा अगर सेक्रीफाइस इस पीरियड में हमने सक्सेसफुली अगर कर लिया, आगे की जो जिंदगी है वो बेहतरीन होने वाली है। और उसी के साथ साथ धीरे धीरे फैमिली का भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, राइट यस सर, राइट। तो और अटियांस के साथ इन्होंने 3 मात्र 3 मंथ्स, ओनली 3 मंथ्स, शी हैड अचीव्ड हर फॉरेन ट्रिप, दैट एक्चुअली बूस्टेड हर कॉन्फिडेंस लेवल, दैट गेव हर ऑल द मोर कॉन्फिडेंस दैट इट इज पॉसिबल टू अचीव एंड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स विथ टियांस, राइट। यस सर।
राइट सो आपको फिर आप हमें बताएं जो आपने अपना पहला जो आपका 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 अचीवमेंट ध्यान से क्या रहा? पहला तो एक लाइफ बन गई मैम, क्योंकि एवरी मंथ जो मैं दवाई खाती थी ना, उससे हाँ मुझे छुटकारा मिल गया। तो मैं तो बड़ा एब्सोल्युटली अचीवमेंट वही वही सोच रही हूँ कि मैं एक मेडिसिन फ्री हो गई, और मुझे पता भी चल गया कि मेरा इलाज भी हो गया, और उसके साथ साथ मेरा कैरियर बहुत ही शॉर्ट टाइम में फॉरेन ट्रिप, फिर एवरी मंथ जो मुझे टियांस से पैसे मिल रहे थे, तो वो सारा मेरा अचीवमेंट है। और आज फास्टेस्ट गोल्ड लायन एक बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए वो है। एज ए लेडी मैंने अमेजिंग। 3 साल में गोल्ड लाइन कंप्लीट कर लिया, तो ये मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। यस देखिए मैम, मुझे लगता है ये प्रवीणा जी ने बहुत कंसिस्टेंटली काम किया। हमारे कोई भी काम को जब आप शुरू करते हो ना, तो उस काम को एक अंजाम देना है, यही थॉट प्रोसेस अगर दिमाग में रख के आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, मुझे लगता है कोई भी अचीवमेंट बहुत कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक पाएगा। तो इन्होंने बोला कि मात्र 3 साल में, यस प्रवीणा जी इज दी फास्टेस्ट फास्टेस्ट गोल्ड लाइन ऑफ द कंपनी। तो इन्होंने ये इतनी जल्दी मात्र 3 साल में जो गोल्ड लाइन लेवल इन्होंने अचीव किया है, ये इसलिए अचीव कर पाई है बिकॉज ये कंसिस्टेंटली काम करती थी। मतलब ऐसा नहीं कि आज मैंने काम किया, कल मेरा मन नहीं हुआ तो मैं काम पे नहीं गई, परसों मेरा मन नहीं हुआ तो चलो आज का डेमो रहने दो, कल देखा जाएगा, ऐसा इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। इन्होंने एक प्लान बनाया, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने डिसाइड किया कि आज भी करना है और ये काम मुझे कल भी करना है, परसों धूप जारा बारिश कुछ भी आ जाए, परसों भी घर से निकलना है, नरसों भी मुझे घर से निकलना है। तो इसको बोला जाता है कंसिस्टेंसी। तो कई बार हमने ये भी देखा है लेडीज के साथ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप ना काम स्टार्ट तो कर देते हो और फिर परिवार का जो पुशबैक है वो आ जाता है, उसके बाद लगता है यार अभी ना रहने देते हैं, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाएगा। आपने सुना है प्रवीणा जी ये अपने यस यस नेटवर्क यस, में, अभी बच्चा मेरा बहुत छोटा है मैम, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बाद में कर लूंगी। जब यस मैं काम पे आ हाँ जाऊंगी, ऐसा सुना है आपने? तो आप यस क्या मैसेज देना चाहेंगे लेडीज के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना कितना इंपॉर्टेंट है मैडम, आपको क्या लगता है? मैम, आफ्टर कोरोना तो इतना पता चल गया कि जब कोरोना इतना पैनिक था और बहुत एक इनकम सोर्स अगर एक ही था ना, तो बजट भी इम्बेलेंस हो गया, लोगों का हेल्थ क्राइसिस भी फील हुआ। और आज की महंगाई में अगर एक इनकम सोर्स है, मेरे हिसाब से आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कभी नहीं कर पाओगे। पर एज ए लेडी आपको एक सपोर्टिंग हैंड बनना है अपने हस्बैंड का, अपने फैमिली का। और मेरे हिसाब से जो लेडी में पावर है ना, वो किसी और में नहीं, क्योंकि दो हाथ तो सिर्फ दिखता है पर हमारे पास हजारों हाथ है। अगर हम कोई स्टेच्यू या तो देवी का मूर्ति देखते हैं ना, उसमें भी कितने सारे हाथ दिखते हैं। तो वो हमें वही मैसेज देते हैं कि आपके अंदर हिडन पावर बहुत है और वो किसी और के पास नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैंने तो कभी भी हारा नहीं, कभी भी मैं डीमोरल भी नहीं हुई, और मैंने वही सोचा कि आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। और मेरा जब सक्सेस होता गया ना, तब मैंने ऐसा सोचा कि बहुत सारे लोगों का घर में फाइनेंशियल क्राइसिस फेल हो रहा है, उन लोगों को मैं क्यों सपोर्ट न करूं। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां तो खाली कर भला और हो भला है, यहाँ पे किसी को मिसगाइड नहीं, किसी को गुमराह नहीं, किसी को हमें कुछ भी ऐसा वैसा बोलना नहीं। हमें सिर्फ लोगों के लिए अच्छा करना है, लोगों का फाइनेंस अच्छा हो, लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो फाइनेंशियली फ्रीडम बहुत चाहती थी, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक है घूमने का, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, और आउटिंग का, और बहुत कुछ। मतलब लोगों का देख के हम ऐसा भी नहीं सोचना चाहते थे कि चलो हम भी जिंदगी काट रहे, मुझे भी अपना खुद का जिंदगी जीना था। इसलिए फाइनेंशियली फ्रीडम बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना मरते दम तक काम करते हैं ना, तो भी लोगों का लाइफ चेंज नहीं होता है। पर यहाँ पे खाली डेडिकेट होके 3 से 5 साल अगर लगा देंगे ना, तो यहाँ पे आपका और आपका फ्यूचर का, आपका जनरेशन का भी लाइफ चेंज हो सकता है। यस अरे मैम, वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखिए प्रवीणा जी ने दोबारा हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताया। एक तो इन्होंने बताया कि हर लेडी को चाहिए कि वो अपने फैमिली का एक सपोर्ट सिस्टम बने,
एंड स्पेशली ये पैंडेमिक पीरियड जो हमने देखा है, आफ्टर द पैंडेमिक पीरियड ऑल ऑफ अस हैव सीन दैट यू नो मेनी ऑफ अस हैव स्ट्रगल्ड विद हेल्थ हैजार्ड्स, मेनी ऑफ अस हैव स्ट्रगल्ड विद फाइनेंशियल हैजार्ड्स आल्सो. सो इन टुडेज यू नो इन टुडेज राइजिंग इकोनॉमिक क्राइसिस पीरियड, if we are able to you know come up and build a alternate career system, alternate income system and support the family, everybody in the family, har koi family mein ek bahut hi acha aur strong life or lifestyle jee sakta hai, in sabko ek aasan smooth life mil sakta hai. एंड इन्होंने ये भी बताया कि इनको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना था और अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए आप किसी और के सामने जाके नहीं बोल सकते कि मुझे अपनी जिंदगी को इस हिसाब से जीना है, आपका सपोर्ट चाहिए. देखिए वो तो नहीं होता है. तो आपको अपनी जिंदगी से जो भी चाहिए आप ही को उसको हासिल करना है, आप ही को अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, साथ ही साथ अपने सारे पूरे फैमिली को भी सपोर्ट करना है. बिकॉज मैंने कल भी आपको ये बताया था, आज मैं दोबारा रिएट्रेट कर रही हूँ, मुझे ये स्ट्रॉन्गली फील होता है व्हेन यू एम्पावर अ लेडी यू एम्पावर अ नेशन. घर के महिलाएं जब एम्पावर्ड होती हैं, घर के महिलाओं को जब खुश रहने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, घर परिवार में हर किसी को वो खुश रख सकते हैं, हर किसी को खुशहाल रख सकते हैं, हर किसी की जो मेंटल हेल्थ है वो काफी अच्छा हो जाता है. किसी भी परिवार में जब मेंटल हेल्थ अच्छा होता है ना, उस परिवार का जो आउटपुट है वो बाकी सब कुछ बैलेंस हो जाता है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है. तो प्रवीणा जी, आपने तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल किया, क्या एक वो मोमेंट आप बता सकते जहां पे आपने अपने हिसाब से कुछ ऐसा किया हो जहां पे आपको अंदर से बहुत खुशी मिली हो अपने ये फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? आपने किसी को कुछ कुछ ऐसा कुछ गिफ्ट किया हो या फिर अपना ही कोई शौक पूरा किया हो अपने इस 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 अर्निंग कैपेसिटी से, कुछ ऐसा मोमेंट? यस, मेरे ही बहुत सारे रिलेटिव्स को भी मैंने सपोर्ट किया. और पहले तो मेरे हस्बैंड को एक साथ में पैसे चाहिए थे तो मेरा अकाउंट से मैंने दिया, तो मुझे तब वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि हर बार वो देते हैं, इस बार मैंने उनको दिया तो मुझे प्राउड हुआ कि चलो अब मैं धनवान हूँ उससे ज्यादा, और क्योंकि मेरे पास फियांस है. तो यस मैम, एवरी मंथ जब 5 लाख का एक चेक, हाइएस्ट चेक मेरा आया ना, तब मुझे एक बड़ा अचीवमेंट लगा और उनको चाहिए था तो मैंने दिया, तो मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं एक देने वाली बन गई, तो ये एक अच्छा लगा. ग्रेट. देखिए ये एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं ये हाईलाइट करूंगी, दैट इज एक जो वाइफ की जो फीलिंग होती है ना अपने हस्बैंड को कुछ गिफ्ट करने का, वो एक फुल फीलिंग, एक सेटिस्फेक्शन देती है, अंदर से एक किक देती है कि हमेशा इनसे लेते हैं हम, इस बार इनको हम कुछ गिफ्ट करते हैं. तो मैं भी शेयर करना चाहूंगी दैट अभी 2-3 दिन पहले मैंने कभी अपने हस्बैंड को कुछ गिफ्ट किया था, एक बड़ा अमाउंट गिफ्ट किया था, गिफ्ट नहीं किया था मतलब सपोर्ट किया था. तो उन्होंने ये 2-3 दिन पहले मेरे अकाउंट में वो पैसा रिटर्न किया और फिर मैंने उनको फोन करके पूछा, यार ये अभी मेरे अकाउंट में ये क्रेडिट हुआ? तो बोला कि हाँ तुमने वो दिया था ना, आज मैंने तुमको रिटर्न किया. तो मैं बहुत गुस्सा हो गया, फिर मैंने कि रिटर्न किसने करने बोला था? बोले नहीं, ये तुमने दिया था, तुमने वो एंजॉय कर लिया, अब इसको रखो, मुझे भी एंजॉय करने दो. तो देखिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जब आप एक दूसरे का एक सपोर्ट सिस्टम बनते हो. सो आई थिंक दिस इज समथिंग, ये कल भी हमारे साथ जो हमारे गेस्ट स्पीकर थे उन्होंने भी शेयर किया था कि उन्होंने अपने ही इनकम से अपने हस्बैंड को कुछ गिफ्ट किया था और उनको ये बहुत एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है ये काम जब हम कर पाते हैं, राइट? तो प्रवीणा जी, आप ये क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी लेडीज को कि यू नो जब ये आप ये मोमेंट जो है, ये मोमेंट को हासिल करने के लिए कहाँ तक के यू नो काम करने का जरूरत है, कहाँ तक के अपने आप को एक आई वुड से कोऑर्डिनेट करने का जरूरत है, क्या क्या करना चाहिए मैडम? मेरे हिसाब से तो पहले तो एक लेडी को अंदर का क्वालिटी बाहर निकालना है, क्योंकि पंख है हमारे पास, उड़ना है हमें और बहुत कुछ करके दिखाना है, बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज करना है.
और आज जो नेटवर्क बिजनेस एक लेडी के लिए बेस्ट बिजनेस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बी योर ओन बॉस, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। पहले तो कोई आपको कोई टाइम का भी ऐसा है कि चलो फैमिली को संभालना है, बच्चे को संभालना है, अगर हमारे फैमिली के मेंबर्स को संभालना है, तो एक लेडी के लिए मैं नेटवर्क बिजनेस ज्यादा सजेस्ट करूंगी, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है, लोगों के साथ मिलजुल के हम खुद का एक पर्सनल ग्रोथ भी कर पाते हैं, और एक इमोशनल है ना, तो हमें एक बिग फैमिली बहुत सपोर्ट करता है कि चलो हमारे लिए कोई है। तो आज तो मुझे नहीं ऐसा फील हो रहा है कि मैं टियांस के बाद मेरे पास जो ग्रुप और फैमिली बन गया ना, वो मेरा बड़ा अचीवमेंट लगता है। और हर एक लेडी को एक ही मैसेज पास करूंगी कि कोई भी करो पर नेटवर्क एक बार करना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क करने से आप एक सॉल्यूशन मेकर बन जाते हो। चाहे अरे कोई भी वाह, बिजनेस करो, चाहे फैमिली का कोई इश्यू है, आप कभी भी वो इश्यू को बढ़ा नहीं पाओगे, एज अ नेटवर्कर आप एक बड़ा सॉल्यूशन मेकर बन जाओगे। कि आपको कोई वाह भी अगर वाह, कुछ भी बोल रहे हैं ना, तो भी आपको गाली भी इतना प्यारी लगती है कि वो दूसरी बार बोलने के लिए हमें, मतलब दूसरी बार हमें वो गाली देते भी नहीं, वो इतना रियलाइज कर लेते हैं कि इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक एंटीबॉडी बन जाते हैं एज अ नेटवर्कर। तो मेरे हिसाब से एक लेडी के लिए सूटेबल बिजनेस है ना, तो वो एक नेटवर्क बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कोई स्मार्टनेस की जरूरत नहीं है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि चलो ये क्राइटेरिया है कि आपको ये होगा तो ही नेटवर्क कर पाओगे। यहाँ पे हम बिल्कुल आजाद पंछी है, हमारे हिसाब से काम कर सकते हैं, और यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ आपके सारे सपने पूरा हो सकता है। यस मैम, वाह तो मैं तो एक ही मैसेज पास करूंगी, जो भी लेडी है एक बार नेटवर्क करना चाहिए। अब फैमिली में भी रानी बन सकते हो, बिजनेस में भी एक रानी बन सकते हो। वाह, लवली लवली, आई थिंक दैट यस इज अ सुपर मैसेज जो प्रवीणा जी ने हमारे साथ शेयर किया। गौर कीजिएगा, मैं सारे लेडीज को यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी, गौर कीजिएगा, इन्होंने बोला कि आप एक सॉल्यूशन मेकर बन सकते हैं। सो फ्रॉम बीइंग अ सुपर होम मेकर यू कैन बिकम अ सुपर सॉल्यूशन मेकर, राइट? यस सो ये बिल्कुल एक आई थिंक दिस इज अमेजिंग प्रवीणा जी, और ये वही बोल सकती है जिन्होंने इस चीज को जिया है, जिन्होंने इस चीज को अपने बलबूते पे हासिल किया है, जिन्होंने इस चीज को हर दिन सोते उठते बैठते चीज को बाकी बहुत सारे लेडीज तक के ये मैसेज पहुंचाया है। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स प्रवीणा जी। एंड यस, इन्होंने ये भी बोला कि आप जहां पे भी हो, जैसे भी हो, जिस टाइम पे भी हो, आप डिसाइड कर सकते हो अपने नेटवर्किंग में अपना करियर बनाने के लिए। व्हाई? बिकॉज नेटवर्किंग में आने के लिए आपको फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। नेटवर्किंग में आने के लिए आपका, प्रवीणा जी ने जो बोला उन्हीं के भाषा में बोल रही हूँ, इन्होंने बोला कोई क्राइटेरिया नहीं है। जी हाँ, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कभी भी कहीं से भी अपने मर्जी से इस काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को आप यूज कर सकते हैं, मार्केटिंग प्लान को फॉलो कर सकते हैं, बट जो भी करोगे ध्यान रखना आपको कंसिस्टेंटली करना है। आज अगर आपने किया है, कल भी वही काम करना है, परसों भी वही काम करना है, उसके अगले दिन भी वही काम करना है, तब जाके हम, आप एक दिन ऐसा आएगा जब हम बाकी यहाँ पे बैठ के आप बाकी सबसे सुनेंगे, राइट प्रवीणा जी? यस मैम, यस, थैंक एंड यू. आई थिंक एज लेडीज हमें लगता है कि वो हमारा एक एक मोटो होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लेडीज तक के इंफॉर्मेशन पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा लेडी को ना हम इन्फ्लुएंस करें और इनकरेज करें कि वो भी हमारे इस बिजनेस में आए और इस बिजनेस के साथ मिलके अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस पे लेके जाए, अपने सपनों के ऊपर फोकस करे, अपने सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करे, अपने परिवार को एक बेटर लाइफ और लाइफस्टाइल देने में फोकस करे, एंड देखिएगा आगे की जिंदगी बहुत बेहतरीन और बहुत सुंदर हो जाएगा। प्रवीणा जी, आपसे जानना चाहेंगे, व्हाट हैज बीन योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट सो फार विथ टियांस? टियांस के साथ एक ऐसा कोई अचीवमेंट जो कि आपको हमेशा याद रहेगा, जो कि आपके साथ हमेशा रहेगा। यस मैम, चाइना हेडक्वार्टर जब मैंने विजिट किया ना, तो
तब मुझे गूगल में तो हम हमारा टियांस का हेडक्वार्टर या तो सब कुछ प्रोफाइल देख लेंगे, पर जब हम मैं जाके जब फील किया तब ओह मैं खाली 7 स्टार थी। जब मेरा चाइना टूर हुआ तब मेरे हाँ साथ मेरी टीम भी कोई नहीं थे, मैं अकेली थी। और मैंने जब हेडक्वार्टर 3 दिन घूमे फिर भी हम नहीं घूम पाए क्योंकि इतना बड़ा हमारा हेडक्वार्टर है। तब जाके मेरा एक विजन क्लियर हो गया और मैंने आके मेरे हस्बैंड को भी बोला कि आपका जितना भी बिजनेस है आप छोड़ दो, आप मेरे साथ आ जाओ क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्राइट फ्यूचर बनने वाला है और यहाँ पे ही हमारा लाइफ चेंज होने वाला है। तब जाके मैंने किसी को कुछ नहीं पूछा, रात दिन मैंने नहीं देखा और इतना मेहनत कर लिया। और 2 साल में चाइना के आने के बाद 2 साल में पेंडेमिक में मेरा ब्राउन लाइन से सिल्वर लाइन भी हो गया और गोल्ड लाइन भी हो गया। तो ये एक मेरे लिए एक विजन क्लियर एक चाइना हेडक्वार्टर ने किया कि मुझे करना है तो टियांस करना है, पर मुझे सब्र के साथ भी नहीं करना है, मुझे जो चाहिए वो बहुत ही इंस्टेंट और स्पीड में चाहिए और शॉर्ट टाइम में चाहिए। तो मेरा एक वो एक मेरा जिंदगी में एक मेमोरेबल मोमेंट रहेगा कि मैंने जो चाइना टूर किया था और जो हेडक्वार्टर का मैंने जो फील किया, तब मुझे पता चला कि मैं कैसे प्लेटफॉर्म में एक यूज प्लेटफॉर्म में मैं काम कर रही हूँ और मैंने जो डिसीजन लिया वो मेरा राइट था और उसके लिए थैंक्स गॉड, क्योंकि पहली बार नेटवर्क किया और अच्छा कंपनी मेरे साथ आ गया। तो मैं रियली ग्रेट 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 थैंक्स टू गॉड ओनली, और थैंक्स बिग थैंक्स टू ली जिन्योन सर, मेरे हमारे रिस्पेक्टेबल सर, कि जिसने हमारे जैसे लोगों के लिए एक इंडस्ट्री बनाया और यहाँ पे हमारे सारे सपने पूरे किए। तो थैंक यू। अमेजिंग, यस यस मैम। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैडम, इन्होंने बताया जो चाइना टूर का इनका एक्सपीरियंस था, माय गॉड, वो इनका विजन, इनके सामने का रास्ता एकदम क्लैरिटी के साथ खुल गया था। और वहां से वापस आने के बाद उन्होंने फास्ट ट्रैक कर दिया अपने बिजनेस को। ये तो ऑलरेडी काम कर ही रही थी, ऑलरेडी इनके साथ लोग जुड़े हुए थे, ऑलरेडी इनके काम पे एक स्पीड था, कंसिस्टेंसी थी। बट वहां से आने के बाद इनको लगा कि मुझे अब स्लोली स्लोली नहीं, मुझे अपने ग्रोथ को फास्ट ट्रैक करना है, बहुत जल्दी मुझे हासिल करना है। और चाइना से आने के तुरंत 2 साल के अंदर इन्होंने अपने ब्रॉन्ज और सिल्वर लाइन लेवल कंप्लीट किया है, साथ ही साथ ये पहुंच गई गोल्ड लाइन लेवल पे, जो कि फास्ट ट्रैक ग्रोथ था, बिकॉज उनका जो जुनून था वो जुनून इनको यस ड्राइव किया। आई वुड से द जुनून जो इनके अंदर जो जो आग कुछ करने का, कुछ हासिल करने का जो आग इनके अंदर था वो इनको ड्राइव किया कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए अब तो मुझे करना है और देर इज नो लुकिंग बैक, राइट मैडम। यस मैम, यस तो मैम, देखिए, हमारे हर किसी के मोमेंट पे, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आता है जो कि डिफाइनिंग मोमेंट है, राइट? तो वही मोमेंट डिफाइन करता है कि मुझे करना है, कैसे करना है, क्या करना है। ये पर्पस, ये विजन, हम बार बार बोलते हैं कि विजन अगर क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप इस चीज को हासिल कर सकते हो। उन्होंने बोला चाइना जाने के बाद मेरा विजन क्लियर हो गया कि मुझे अब चाहिए तो टियान से ही चाहिए और जो भी चाहिए यहीं से मुझे अचीव करना है। साथ ही साथ और भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आपका विजन तो क्लियर हुआ चाइना जाके और आपने अपने काम को फास्ट ट्रैक भी कर दिया, बहुत स्पीड आपने पकड़ लिया, अपने अपने परिवार के साथ भी शेयर किया कि देखो अब तो मैंने चाइना भी देख लिया, 3 दिन में मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, इतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हेवनली एक्सपीरियंस रहा है। तो उसके बाद परिवार के साथ मिलके क्या आपने चियांस से आपने जो भी हासिल किया, क्या आपने परिवार के साथ मिलके भी कुछ ऐसा किया आप लोगों ने जो कि आप बहुत बहुत प्राइड के साथ सबको बोल पाओ कि पता है मैंने ये ना चियांस से अचीव किया है और मैंने ये चियांस के इनकम से मैंने ये बनाया, कुछ ऐसा जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? यस मैम। बहुत मैं एक फील करती हूँ कि मैं एक मतलब दे सकती हूँ, मेरा इतना मैं काबिल बन गई हूँ टियान से कि मुझे एवरी मंथ अभी 4 to 5 लाख का अगर इनकम आ रहा है ना, एवरी मंथ हमारे पास एक सेलिब्रेशन मोड ही होता है, क्योंकि कार भी मेरे पैसे से लिया, घर में बहुत कुछ मेरे पैसे से आ गया। तो अब मैं एक घर भी जो मैं बना रही हूँ ना, उसमें भी एक टियांस हाउस ही मैं लिखने वाली हूँ, क्योंकि वो मेरा ड्रीम हाउस है और ओनली टियांस के पैसे से ही बनने वाला है। और बहुत कुछ लिया मैं, पर्टिकुलर क्या बोलूँ, क्योंकि फैमिली को भी पता चल गया है, बहुत सारा मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर लिया मेरे पैसे से।
और आज मुझे रिटायरमेंट प्राउड होता है, रिटायरमेंट सिक्योर्ड रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट यस, मुझे रिटायरमेंट, क्योंकि मैं, मुझे पहले से ही 1 रुपीस भी किसी से मांगना पसंद नहीं है, किसी से बिल्कुल भी नहीं। मैं 9th स्टैंडर्ड की थी तब से मैं कमा रही हूँ, और मुझे एक ही है कि मुझे किसी से मांगना नहीं है। हमारे मतलब दम में हमारे में कि हम जितना चाहे उतना मतलब पा सकते हैं। पर टियांस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो जरूरत के हिसाब से नहीं, चाहत के हिसाब से पैसा देता है, तो वो एक बिग प्लेटफॉर्म है। और अभी मैं वाह ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इंडोनेशिया भी हम जा रहे हैं, वाह कंपनी का 27 ईयर कंप्लीट जो हो रहा है, एग्जैक्टली तो उसका सेलिब्रेशन और कन्वेंशन, और वो ज्यादा एक्साइटमेंट है गाला डिनर का, जो हमारे ग्रेट रिस्पेक्टेबल फाउंडर मिस्टर ली जिंगयोन सर के साथ होने वाला है, तो इसलिए मैं ज्यादा वाह एक्साइटेड हूँ। यस मैम, लवली। देखिए इन्होंने बहुत वो भी मेरे लिए एक अचीवमेंट है। यस मैम, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली दैट इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट एब्सोल्युटली। तो आपने सुना है इनसे कि इन्होंने अपने जो इनकम इन्होंने किया उस इनकम से इन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किया है, और इन्वेस्टमेंट्स आपको पीस ऑफ माइंड देती है राइट। आपको पता है बिल्कुल कि आपका जो आने वाली जो जिंदगी है, आने वाली जिंदगी आपकी सिक्योर्ड है। आपकी आने वाली जिंदगी में आपको अगर कुछ भी जरूरत पड़े तो यू हैव योर फंड्स टू लुक बैक टू फॉल बैक ऑन राइट। दिस इज समथिंग विच शी हैज गिवन टू हर फैमिली। देखिए जो इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने किया है, क्या वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ ये खुद एंजॉय करने वाली है? इसका आंसर है जी नहीं। इसका आंसर है ये सारे के सारे जो बेनिफिट्स है ये प्रवीणा जी के साथ साथ इनकी पूरी फैमिली को ये बेनिफिट मिलने वाला है राइट। ये पूरी फैमिली इनका जो हार्डवर्क का जो फ्रूट है, पूरी फैमिली मिलके वो फ्रूट को एंजॉय कर सकते हैं। सो डेफिनेटली इनकी जो सक्सेस है, जो आज ये सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म में ये पहुंचे हैं, वहां पे इनकी फैमिली का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले करता है, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड से इन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। क्या आपके अंदर भी वो जुनून है? क्या आप भी ये सोचते हो कि मुझे मेरी हर छोटी बड़ी जो जरूरत है वो मुझे फुलफिल करना है, मुझे किसी के सामने किसी के आगे नहीं हाथ फैलाना है राइट। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि यस मे भी वो अचीव करना है। जी हाँ, अगर वो भी आप अचीव करना चाहते हो, दिस इज द प्लेटफॉर्म। रवीना जी ने वो प्लेटफॉर्म का पूरा पूरा फायदा उठाया, पूरा पूरा उस प्लेटफॉर्म को उन्होंने खुल के जिया। उस प्लेटफॉर्म में जो जो ये प्लेटफॉर्म ऑफर कर रही है इन्होंने सब कुछ लिया। और इनका इन्होंने अभी अभी बोला कि आपके सामने भी वो प्लेटफॉर्म है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज है। आप अपने और अपने साथ अपने सारे पूरी फैमिली का लाइफस्टाइल भी यहाँ से बेटर और बेहतरीन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्होंने काफी हमें इनपुट्स दिया है, काफी इन्होंने हमारे, आई एम फीलिंग वेरी इंस्पायर्ड प्रवीणा जी। आपसे बात करके मुझे वो याद आ रही है कि मुझे किसी के आगे नहीं हाथ फैलाना है। टेल यू, मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी उस टाइम पे मुझे भी ये फील होता था कि पापा से पैसे नहीं लेना है। तो आई 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 कैन शेयर इन दिस प्लेटफॉर्म, आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ रिसेप्शनिस्ट इन अ वेरी बिग बिस्किट ब्रांड। उस ब्रांड के साथ ना मैं कॉलेज बंक करके वहां पे जाती थी और 2,000 रुपए सैलरी होता था, वाह, 1,800 रुपए हाथ ग्रेट, में आता था। और उस 1,800 रुपए से जो 1,800 रुपीज आते थे ना, तो उस पैसे से मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में कैंटीन में वी यूज्ड टू एंजॉय। फील होता था कि यार ये मेरा मेरा खुद का कमाई है, किसी से यस, किसी के आगे नहीं मांगना पड़ेगा। तो यस, देखिए लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना एक पहचान बनाओ। आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है ना मैडम, उस आधार कार्ड के नाम के हिसाब से जियो ना, कि बाकी सारे तो है ही, वो तो है ही जिंदगी में, बट अपना आइडेंटिटी बनाना, आधार कार्ड के आगे टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू आर एबल टू डू दैट, बिलीव मी यू वुड फील प्राउड ऑफ द पर्सन दैट यू सी इन द मिरर एवरी डे मॉर्निंग इवनिंग नाइट। यस, मानते हो इस बात को? यस मैम, ग्रेट। बिल्कुल। अच्छा प्रवीणा जी एक बात बताइए, आपने अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताया, आपने अपने जुनून के बारे में बताया, क्या आपको लगता है कि टियांस के प्रोडक्ट्स में दम है? जो प्रोडक्ट्स को लेके एक लेडी
अपनी जिंदगी को बदल सकती है, अपने करियर को बदल सकती है। यस डेफिनेटली डेफिनेटली, प्रोडक्ट को देख के ही आई थी, कभी कुछ भी नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला ना, तो मैंने वही सोच के निकल पड़ी और 80% तो मैं सैनिटरी नेपकिन में ही काम कर रही थी। पर आफ्टर कोरोना सारे इक्विपमेंट सारी प्रोडक्ट्स यहाँ की एक से बढ़कर एक है, क्योंकि बैकबोन बैकबोन है हमारी कंपनी का, हमारा प्रोडक्ट की कोई कंपेयर नहीं कर सकते। चाहे कोई भी नेटवर्कर हमारे सामने बैठते हैं ना, तो हम उनको देखते हैं, फिर हमें खाली थोड़ा सा ही बोलना पड़ता है और हमारी प्रोडक्ट लेके वो जाते हैं, तो इतना प्राउड होता है कि हमारी प्रोडक्ट में दम है। और डे बाय डे बहुत सारे लोगों को हम हेल्दी बना रहे, क्योंकि हमारे पास जो इक्विपमेंट और नेपकिन है ना, वो एक यूनिक प्रोडक्ट है कि वर्ल्ड में इसका कोई कंपीट नहीं है। इसलिए हम जहां जाते हैं वहां राजा बन के काम निकाल सकते हैं। इसलिए मेरे लिए तो एक सैनिटरी नेपकिन से शुरू किया था, अब तो सारी प्रोडक्ट बहुत मूव हो रही है, और नेपकिन एक लेडी का लाइफ चेंज कर दिया ना, तो बहुत सारे लोगों को एक इंस्पिरेशन मिल रहा है कि चलो कुछ कर सकते नहीं कर सकते, पर नेपकिन का प्रमोशन बहुत ही इजी है सबके लिए, और बहुत शॉर्ट टाइम में वो लोग यूज कर सकते। पर एक छोटा सा प्रोडक्ट है ना, यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट है, कि उसका डिमांड हमेशा जब तक सृष्टि है तब तक चलता रहेगा, इसलिए ये चीज अच्छा है। यस मैम दिया, जब तक की सृष्टि है तब तक के इसका जरूरत पड़ता रहेगा। और एक लेडी के लिए देखिए, बहुत बड़ी ऐसा होता है कि हम जब एक आपस में बातें करते हैं, आप अपने बहन से बात कर सकती हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकती हैं, और प्रवीणा जी एंड प्रवीणा जी के जो यू नो पावर गर्ल्स की कोर टीम है ना, तो अगर आपने ऐसा ही कोर टीम बना लिया, ऐसे ही कोर टीम के साथ अगर जाके आप साथ में प्रमोशनल एक्टिविटीज भी करेंगे, एक लेडी को तो ये चाहिए ही चाहिए। बहुत पावरफुल ये स्टेटमेंट है। आज कोई भी लेडी हो, वो मार्केट से अक्रॉस द काउंटर ये सैनिटरी नैपकिन खरीदती हैं, राइट? तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट चेंज द शॉप, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट चेंज द ब्रांड, क्योंकि ये तो हर किसी के घर पे जा रहा है आज के डेट में। तो यह एक बहुत ही पावर पोजीशनिंग है हमारे प्रोडक्ट का, सैनिटरी नैपकिन का। और प्रवीणा जी ने बताया कि इनके सियांस में आने के पीछे ये ही रीजन था, क्योंकि ये सैनिटरी नैपकिन ने इनका जो खुद का गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। तो ये बहुत पावर पोजीशनिंग है। आप प्लीज इस चीज के ऊपर गौर करें, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि बिजनेस को बढ़ाए कैसे, किसी से बात कैसे करें, मैं टियांस के साथ जुड़ी हुई हूँ, इस बात को आगे तक के कैसे पहुंचाए, कैसे वो जो पहला स्टेप है ना, वो पहला स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मुश्किल भी होता है ना प्रवीणा जी? yes, आपने yes, वो पहला स्टेप कैसे लिया था? मेरा स्टोरी कुछ अलग है। मेरे हस्बैंड तो मुझे मना ही कर रहे थे कि ज्वाइन नहीं करना है, पर मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन देख के प्रोडक्ट ले लिया, और मैं भी बिलीव नहीं कर रही थी, क्योंकि ज्यादा एजुकेशन होता है ना तो हम लोगों का मानते नहीं है। तो पहले तो हमें गूगल में सर्च किया, सारे मेडिकल के अलग 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 ब्रांड के नैपकिन लिया, फिर वो देखा, देखने के बाद ये कुछ अलग लगा कि चलो ये नैपकिन यूज करने से गायनेक प्रॉब्लम सोल्व होता है, दवाई की भी जरूरत नहीं रहती है, तो ये कैसे? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर को विजिट कर चुकी थी और डॉक्टर लोग मुझे टिक नहीं कर पा रहे थे, तो ये नैपकिन क्या मुझे टिक करेगा, ऐसा सोच के मैंने खाली लिया। तो एक दिन में मैंने 8 अलग अलग ब्रांड के नैपकिन खोले, देखे, तो सब में मुझे अव्वल लगा हमारा एरिस का नैपकिन, और मेरे हस्बैंड भी बोले कि क्या पागल हो गई, ये क्या कर रही है, क्योंकि मैं तो एक प्रोफेशनल जॉब कर रही थी और ये आज मैं क्या एक्टिविटी कर रही हूँ। तो ये सब देख के उनको लगा, पर मुझे खुद को जानना था कि प्रोडक्ट अगर जैसे डेमो करने वाले बोले थे सेम ऐसा है कि कुछ इसमें कुछ अलग है, ऐसा देख के यूट्यूब में देखा, सब कुछ देखा, फिर मुझे हमारा अव्वल लगा, फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि करना है तो चलो ये करना है, पर फिर यूज करने के बाद में और सेटिस्फाई हो गई। फिर लोगों को मैं ज्वाइन करती हूँ ना, तो लोगों को खाली प्राइम प्रोडक्ट हमारा है, BCM भी मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि हर घर का एक मिनी हॉस्पिटल है, राइट? अगर हम फिजिकल अच्छा, अगर डेली हमारा बिजी रूटीन में अगर हम नहीं कर रहे तो ओनली 15 मिनट हमें हमारा BCM को देना है, तो हम पूरा हेल्थ पैकेज हमारा
साथ हो गया, एक दैनिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और एक हमारा फिजिकल प्रॉब्लम और अंदर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो ये एक प्राइम प्रोडक्ट, दो चार प्रोडक्ट को लेके भी हम काम कर रहे ना, इसमें हम करोड़ों का कारोबार कर सकते हैं। यस मैम, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। देखिए बीसीएम के साथ आपका जो फिजिकल एक्टिविटीज है, जो कि आज के डेट में हम नहीं कर पाते कई बार अपने बिजी स्केड्यूल के कारण, तो बीसीएम आपके उस सिचुएशन को हैंडल करती है। एंड साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि आपका जो नैपकिन, देखिए गौर कीजिएगा, प्रवीणा जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दिया है हमें यहाँ पे। इन्होंने बोला मैंने एक ही दिन में 8 अलग अलग ब्रांड्स के नैपकिन्स को चेक किया और मैंने यूट्यूब में भी इसके बारे में जानकारी ली और तब जाके मुझे ये कन्विक्शन हुआ कि ये प्रोडक्ट प्राइम प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट काफी इफेक्टिव है और जो चीज डेमो में दिखाया गया था वही चीज सच में इस प्रोडक्ट में मौजूद है, जो कि इनको डिसीशन लेने में मदद किया कि हाँ मैं अभी अपना जॉब छोड़ के इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेके अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकती हूँ। तो इन्होंने पढ़ाई किया, इन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर किया, ये किसी और के आगे जाके नहीं पूछे कि मुझे करना है नहीं करना है, बीच में कुछ नहीं था, करना है तो भाई करना है, जॉब छोड़ के करना है, फुल टाइम करना है और इसी से करियर बनाना है। आज के डेट पे इन्होंने अपना अर्निंग भी हमारे साथ शेयर किया है, मात्र 5 साल में इनकी जो आज के डेट का इनकम है विच इज क्लोज टू 4 to 5 lakhs एवरी मंथ, और वो एक सेलिब्रेशन का मौका होता है फैमिली के लिए, पूरी फैमिली के लिए हर महीने, राइट? आई एम सॉरी। तो इन्होंने हमारे साथ ये सारे अपने जो सक्सेस के सीक्रेट रेसिपी है प्रवीणा जी ने हमें दे दिया, अब ये हमारे ऊपर है कि इस रेसिपी को लेके हम जो अगला डिश है उस डिश को हम कैसे परोसे, इस डिश को हम कहाँ कहाँ लेके जाए। तो वन लास्ट पीस ऑफ एडवाइस जो कि आप हर एक लेडी एंटरप्रेन्योर को देना चाहेंगे वो क्या है प्रवीणा जी आपके तरफ से? एक स्पेशल एडवाइस, एक मेंटोर, आप एक मेंटोर बन चुकी हैं, आपके तरफ हम बहुत सारे लेडीज आपके तरफ देखते हैं, आपके जैसे सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो व्हाट इज दैट वन पीस ऑफ एडवाइस जो कि आप हर एक लेडी को यहाँ पे देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि उतार चढ़ाव बहुत आएगा। अगर आप सक्सेस के रास्ते हो ना, रास्ते पे हो, तो आपको उतार चढ़ाव बहुत आएगा। उनको कैसे फेस करना है, क्योंकि उनको मैं तो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ही ले रही हूँ। ओनली कंसिस्टेंसी आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी ही राज है। बहुत दिन ऐसे आए कि कभी कभी डीमोरल भी हो जाते हैं, कभी कभी मोरल अप भी होते हैं। ऐसे उतार चढ़ाव बहुत आए, पर हमने एक दिन भी काम को स्किप नहीं किया। हमेशा चलते रहे और कब सक्सेस की सीढ़ी पार कर गए पता नहीं चला। तो मैं तो एक ही सबको मैसेज पास करूंगी, एज ए लेडी बहुत सारा स्ट्रगल आएगा, इतना जेंट्स लोगों को नहीं आएगा, चाहे हमें बच्चों को देख के, फैमिली को देख के, सोसाइटी को भी, क्योंकि सोसाइटी भी हमें बहुत कुछ बोलेगी कि अगर हम अच्छे रास्ते पे भी चल रहे हैं ना तो भी हमें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, पर वो हमें खाली सुन लेना है, दिमाग में नहीं रखना है और चलते रहना है, चलते रहना है। और कंसिस्टेंसी ही मेरे हिसाब से सीक्रेट ऑफ द सक्सेस है। वाह, यस मैम, ग्रेट 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 ग्रेट। देखिए ये बहुत कुछ सोसाइटी भी बोलेगी, बहुत कुछ घर वाले भी बोलेंगे, आप अच्छा भी करोगे, बाय गॉड। आई मीन आपने एकदम दिल छू लिया, सीरियसली ये प्रैक्टिकल है थैंक और यू। हर एक लेडी ये चीज फेस करती है, एब्सोल्युटली मैडम, बिकॉज मैं जानती हूँ हर कोई यहाँ पे बैठे हुए जो भी आपको यहाँ पे आज इस प्लेटफॉर्म में सुन रहे हैं वो रिलेट कर पा रही है, मैं भी रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि हर दिन मैं भी सुनती हूँ, अच्छा भी करती हूँ तो भी सुनना पड़ता है, कुछ गड़बड़ होता है तो बिल्कुल सुनना ही पड़ता है, राइट? तो यस सर, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इन्होंने मैसेज दिया कि दिमाग में नहीं रखना है, दिल में नहीं रखना है, उसको उस मोमेंट में ही खत्म करना है और आगे की प्लानिंग करके निकल जाना है, राइट? यस सर, यस। सो दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस फ्रॉम आवर पावर लेडी प्रवीणा जी फ्रॉम सूरत। और मुझे लगता है आज हमें और भी बहुत कुछ मिला है इस मिशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का, और मैं चाहूंगी आप सब सब
साथ में मिलके इस मिशन को चियांस के साथ और भी स्ट्रांग बनाए, अपने आप को स्ट्रांग बनाए, अपने विल पावर को स्ट्रांग बनाए, अपने कन्विक्शन लेवल को स्ट्रांग बनाए, हमारा जो सक्सेस प्लान, हमारा जो बिजनेस प्लान है उसके ऊपर काम करे, हमारे प्रोडक्ट्स को लेके काम करे, अपने ऊपर काम करे। देखिए इन्होंने बोला, ये पढ़ाई भी की है, इन्होंने देखा है कि प्रोडक्ट में है क्या, यूट्यूब से इन्होंने रिसर्च किया है, सारा चीज इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। और जब स्ट्रगल के बाद अच्छे दिन आएंगे, स्ट्रगल के बाद जब आप प्रोग्रेस करेंगे, आपके साथ पूरा कायनात, पूरी परिवार, पूरी फैमिली, पूरा चियांस फैमिली, एवरीबडी वुड बी सो हैप्पी टू सेलिब्रेट विद यू एंड यू नो टेक योर ग्रैंड सेलिब्रेशन टू द नेक्स्ट लेवल। Thank you very much, Praveena ji, for coming Thank you, online ma'am. on the show. Thank today. you to you. Thank you, God. Thank you, family. Thank you, management. कि आज मुझे ऐसा मौका मिला, अगर एक लेडी भी रिलेट करेगी और उसका लाइफ चेंज करेगी तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। तो थैंक यू, थैंक यू रिस्पेक्टेबल मिस्टर ली चिन्योन सर, अवर फाउंडर, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया बार बार थैंक बोलने का, अंदर से ही मन करता है, बहुत सारी लेडी का लाइफ चेंज किया। थैंक यू माय ऑल मेंटर्स, थैंक यू आईडीनेट सिस्टम, हमारे मेंटर पाल भी बस हैं सर, थैंक यू माय ऑल स्ट्रांग लीडर्स, कोर लीडर्स, एंड थैंक यू ऑल रीजियंस के सीनियर लीडर्स, टियांशियन बिग फैमिली, टियांस फैमिली एंड माय ऑल टीम, थैंक यू ऑल। Amazing! Thank you very much, and we wish you all the best. और भी आगे जाए, और भी inspire करते रहे. Thank you, ma'am. Stories को और strong बनाए और हमारे साथ share करते रहे. Thank you very much, India. Thank you. Tomorrow we will be back with yet another power-packed speaker. Till then, take care, enjoy with Tians, and fly high with Tians. Thank you very much, all of us. Thank you. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you.